हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे सरसों वाला सब्जी। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, हमने सहजन लिया है और इसको अच्छे से काट लिया है, धुल लिया है। और यहाँ पे है आलू, जिसको हमने उबाल के इसका छिलका हटा लिया है। तो फ्रेंड, इसको अभी हम तलेंगे। तो आइए हम गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो रहा है, हम सहजन को डालेंगे। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे हमने सारे सहजन को डाल दिया है फ्राई करने के लिए। गैस को हम तेज कर दिए हैं, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड देखिए, हमारा सहजन ये फ्राई हो चुका है, इसको हम एक प्लेट निकालेंगे। तो फ्रेंड देखिए, तड़के में हम डालेंगे लाल मिर्च, जीरा, इसमें डालेंगे हम कटा हुआ टमाटर। तो फ्रेंड इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार एक चम्मच, और हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच, तो फिर इसमें हम डालेंगे सरसों, लहसुन और जीरा का, काली मिर्च का पेस्ट बनाया है, तो हम डालेंगे। तो फ्रेंड अब इसमें हम डालेंगे हरा मटर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे आलू, और सहजन, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमारा अच्छे से मसाला भून चुका है। तो फ्रेंड आप लोग ये हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं हम आपको थैंक्स बोल सकूँ। तो फ्रेंड इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। और एक मिनट हम अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, अब इसको हम एक मिनट के लिए ढक देंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा सब्जी बनके रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड सहजन में बहुत प्रोटीन होता है। तो फ्रेंड देखिए, इसको हम कितने बारीक से काट कर अब इसको छील दिया है। और देखिए, सारा प्रोटीन इसको चूस के खाने में मिलता है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा सहजन की सब्ज़ी कैसा लगा, सरसों वाला। फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।